इधर दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन करने के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना हाथ लगाकर पीछे कर दिया। जैसे ही शिलापट के उद्घाटन के लिए अरविंद केजरीवाल आगे आने लगे तो वीके सक्सेना ने उन्हें हाथ से इशारा करते हुए पीछे हटने को कहा। इस तस्वीर को देखिए जरा ध्यान से, पहली तस्वीर, केजरीवाल आगे को आए। इसी बीच शिलापट का जब उद्घाटन हो रहा था तो हाथ लगाकर एक तरह से पीछे की ओर, ये देखिए केजरीवाल आगे आ रहे थे, वीके सक्सेना ने हाथ लगाकर अरविंद केजरीवाल को वहीं रोक दिया। हालांकि दोनों ने उसके बाद साथ में उद्घाटन किया और इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने समारोह में भाषण देना शुरू किया तो वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। वहीं जब एलजी का भाषण हुआ तो आप कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। इतना ही नहीं, आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस पर श्रेय लेने की यानी कि क्रेडिट लेने की होड़ भी यहां साफ तौर पर दिखी। बाहर से बच्चे यहां पर आना ऐसा करके क्या होगा? वैसे ऑनरेबल चांसलर इज इन द मिडल ऑफ हिज एड्रेस और आप लोग यहां पे शांत हो जाएं, प्लीज शांत हो जाएं। थैंक यू। नहीं, स्टॉप इट। मुझे यहां लग रहा है कि यहां पर शिक्षा की कमी है जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं और ये शिक्षा के मंदिर में हम और हमें यहां की सेंक्टिटी को मेंटेन करना चाहिए। मेरा ध्यान हमेशा हर वक्त रहता है, ये आपकी सोच है कि हम नहीं देखते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन को लेकर तमाम क्रेडिट वॉर भी छिड़ा। मैम, उद्घाटन होना था, क्रेडिट वॉर पहले छिड़ गया, सड़कों पे लाठीचार्ज तक हो गए। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि आप लीजिए क्रेडिट, पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने बड़े देश में इतना सा दिल्ली, उस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आधी सरकार, आपको हमारे ही काम मिले क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन फिर भी शिक्षा का काम हो रहा है, आप ले लीजिए क्रेडिट। मैं तो बस ये कहूंगी कि गुजरात में भी ऐसी यूनिवर्सिटी बना के दिखाइए, मध्य प्रदेश में ऐसी यूनिवर्सिटी बना के दिखाइए, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी यूनिवर्सिटी बना के दिखाइए। हमारा तो सपना है कि देश के हर बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिलने चाहिए। सवाल, संबोधन के दौरान एक तो स्पीकर साहब को नहीं बुलाया गया, उस पर थोड़ा विवाद हुआ, फिर दोनों सीएम और एलजी के संबोधन के दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन कैंपस में। देखिए, स्पीकर साहब के साथ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, तो मैं खुद शिक्षा मंत्री होने के नाते और ये हमारी ही यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने खुद उनसे माफ़ी मांगी, मैं खुद उनको एस्कॉर्ट करके स्टेज पर लेकर आई। प्रोटोकॉल तो देखिए हर जगह फॉलो होना ही चाहिए। दूसरी बात है, बिल्कुल सही बात है, नारेबाजी और डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सभ्यता और संस्कृति दिखाता है। बिल्कुल, तो आतिशी शिक्षा मंत्री दिल्ली की थी और आईपी यूनिवर्सिटी के जो ईस्ट कैंपस है उसके उद्घाटन के मौके पर पहुंची थी और उनका साफ कहना था कि शिक्षा का जो केंद्र होता है वहाँ पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ब्रजेश अंकुश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।